क्वेश्चन नंबर 35, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो कंपनी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो कंपनी चाहती है कि ये लोग हमारी कंपनी बने रहे, तो उसके लिए उनको शेयर देती है, तो उनका जो खर्चा होता है वो डाला जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर दे दिए हैं 10 रुपए वाले, यानी 5 लाख के। ठीक है जी, ये हो गए प्रमोटर वाले। फिर हम ना कुछ लोग अपॉइंट करते हैं जो मार्केट में हमारे शेयर बिकवाते हैं, उन्हें बोला जाता है अंडर राइटर्स। क्या बोला जाता है? अंडर राइटर्स। उनको भी कमीशन देनी पड़ती है। कमीशन किस फॉर्म में होती है? शेयर के फॉर्म में होती है। तो वो हमारे लिए खर्चा है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ठीक है जी, 2,000 शेयर देंगे उसके बदले में हमारे शेयर बिकवाएंगे मार्केट, क्योंकि हमें कंप्लीट करना होता है लीगल प्रोसेस कि 90% एप्लीकेशन है जरूर आने। अब अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट वो रिसीव कर लेंगे हमसे 2 शेयर कैपिटल। ये नई चीज आई है आपके कोर्स में, पर सीखनी तो पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, करो नोट। पॉज द वीडियो एंड कॉपी ऑन नरेशन लिख लो। बीइंग 50,000 शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन due to underwriters. Being underwriting commission given in form of 2,000 shares of rupees 10. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 और भी इजी है, कर लो इसे नोट पहले। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। छत्तीस में आ जाओ जी, उसमें सिर्फ अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री बनानी है। चार 5,000 इक्विटी शेयर दिए गए हैं इन द बुक्स ऑफ अपोलो टेलीविजन लिमिटेड।
37 में नॉर्मल क्वेश्चन है, लैंड खरीदी है इन्होंने, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लैंड ली है 1,00,000 रुपए की, उसके बदले में दे दिए हैं इक्विटी शेयर। वेंडर रिसीव कर लेगा, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बाकी इन्होंने 4,000 इक्विटी पब्लिक को बेचे हैं एज पर हमारी इंफॉर्मेशन, उसका ब्रेकअप बनाओ। 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, ठीक है, जिसमें कि ₹30 एप्लीकेशन, ₹30 अलॉटमेंट, ₹40 इन्फॉर्मेशन था, ठीक है जी, जिसमें कि 200 शेयरों ने कॉल मनी नहीं दी। सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, 4,000 शेयर इंटू 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रिसीव कर लो, फर्स्ट कॉल बनाओ, पूछते हैं 160 आएंगे और नहीं आए, 160 में शॉर्ट रह गया पैसा, 200 वाले ने पेमेंट नहीं भेजी, 8,000 1,52,000 करो। अब इसने उन्होंने बैलेंस शीट पूछी है, अब बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट,
दी हुई है कोई? देखो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं दी, फिर आती है इशूड, जो पब्लिक इशू की गई, सब्सक्राइब करी पब्लिक ने एंड पेड अप, ठीक है जी, 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, that is 4 lakh less calls in area, calls in area कितना था हमारा कुल मिलाकर? 200 शेयरों ने पेमेंट नहीं भेजी, खींच देते हैं इनको। सीरियल नंबर, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल जो पेड अप वाली होती है उसे लिखना पड़ता है, कितने हैं जी 392 प्लस वो मिला के कितने की होगी, नोट्स नंबर 1 से आई है 492,000, नंबर 2 एसेट्स, एसेट्स में देखो क्या है जी, सबसे पहले टेंजिबल है, लैंड कितने की है हमारी, एसेट्स में ये हेडिंग कर दो लैंड में तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में लैंड ऐसे ही, करंट एसेट्स में ये फॉर्मेट जो बना दिए ना हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा, कैश एट बैंक उस बैलेंस शीट, ठीक है जी, करो नोट, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए।